करना शुरू हो गया है मंडे टू संडे 7 बजे। और एक छोटी सी एवी को मैं दिखाना चाहती हूँ आप सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम श्योर आप लोगों को छोटी सी झलक अच्छी लगी होगी। प्लीज ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे शो को और देखिए मंडे टू संडे 7 बजे। नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट अविनेश। सो कैन यू स्टार्ट विद अविनेश? या ऑफ कोर्स। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा चंगा लग गया था सारे ने देख के थे। सो बेसिकली कहानी बहुत अच्छी है। हमारे जो राइटर हैं रंजीव वर्मा, उनकी लिखत है ये। बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी है एक दोस्ती की, प्यार की, शक्ति की, साहस की। एक लड़की जो कि पंजाब में पैदा हुई है एक जाट परिवार के अंदर, और कैसे सबसे प्यार करती है, सबको खुश देखना चाहती है हमेशा ज़िंदगी में, और कैसे उसकी ज़िंदगी में एक उतार आता है जबकि उसकी शादी होती है अटवाल फैमिली में। तो अटवाल फैमिली में जैसे उसकी शादी होती है उसकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। और उसकी ज़िंदगी में एक उसका बचपन का दोस्त है रांझा, तो रांझा कैसे उसे सारी मुसीबतों से बचाता है, उसकी हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा है, ये देखते हुए कि भाई उसे किसी भी चीज़ में मुसीबत ना आए और वो हर चीज़ से, हर चुनौती से लड़ पाए। तो यही कुछ कहानी है और यही कुछ उसका जिस्ट है। मुझे बिकॉज सबसे पहले तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं मोहम्मद सर, मज़र सर, डोम प्रोडक्शंस, उनके साथ मैंने एक पहले भी शो किया था तेरे बिना जिया जाए ना, तो दोबारा से एक कहानी मेरे सामने आई जिसमें मैं सरदार प्ले कर रहा हूँ। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो यही थी कि मुझे फिर दोबारा से पगड़ी पहनने का मौका मिलेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरे फैंस भी हैं, मेरी फैमिली में भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं जो कि कहते हैं कि पगड़ी में तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे मेन रीज़न यही था कि मुझे दोबारा से एक ऐसा शो करना था और प्रूव करना था कि भाई दोबारा से मैं एक और डिफरेंट टाइप का किरदार निभाऊंगा, डिफरेंट टाइप का किरदार निभाऊंगा पगड़ी पहन के। कि वो जो स्टीरियोटाइप एक सेट हो जाता है स्पेशली पैन इंडिया में, बिकॉज कभी भी एक पगड़ी पहनता है कोई तो वो सोचते हैं कि भाई सिमिलर एक सिंपल सेम सा कैरेक्टर है। तो बस वही स्टीरियोटाइप मुझे ब्रेक करना था। इसके लिए मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे बस उसको ग्रैब करना था और मैंने ग्रैब कर लिया। एंड चैलेंजेस में ज़्यादा मुझे जो आए थे वो यही थे कि कुछ खेतीबाड़ी और ट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें जो सीखनी पड़ी मुझे, बस उसका चैलेंज था क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ तो जो लैंग्वेज है वो मेरे लिए एकदम सिंपल चीज़ थी, उसमें ज़्यादा मुझे कोई डिफिकल्टी हुई नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण मुझे मैंने ये किरदार को हाँ की। थैंक यू। इन्होंने तो काफ़ी सारा कुछ कह दिया तो मेरे कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा, बट मैं यही कहूँगी दैट ही मैंने ये कैरेक्टर इसलिए चुना क्योंकि ये कैरेक्टर काफ़ी प्योर है एंड आई डोंट थिंक ऐसा कैरेक्टर मुझे कभी प्ले करने का मौका मिलेगा। काफ़ी चैलेंजिंग है और स्टोरी में भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स है तो आई थिंक शूट करने में भी बड़ा मज़ा आएगा। एंड इट्स नॉट द सेम सीरियल्स जो आते जा रहे हैं, अभी ये हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं तो आई एम श्योर आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो उनकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, बट यहाँ पर ये जो हमारा शो है भैया पैन इंडिया है तो हम अपने कल्चर जो पंजाब के कल्चर है और जो कि पहले लोगों को पता है, बट कुछ बहुत सारे ऐसे यू नो कल्चर्स हैं जिनको पंजाब के कल्चर की उतनी नॉलेज नहीं है, उतना नहीं पता है, तो हम उनके लिए भी ये वाला शो लेकर आए हैं कि उन्हें भी पंजाब के कल्चर के बारे में पता लगे, हर इंसान को पंजाब के कल्चर के बारे में पता लगे। और उसमें रूरल अर्बन दोनों पंजाब दिखाए हैं हमने, दोनों के डिफरेंसेस दिखाए हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे उनकी आपस में इंटरेक्शन है, इसका भी खुलासा इसी शो में हम करेंगे। और बहुत सारे अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। तो आई थिंक पैन इंडिया के लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक चीज़ है जो हम दिखाना चाहते हैं पंजाब के कल्चर के बारे में। ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ?
हीर 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 का और विरक का महाराष्ट्रियन गर्ल तो व्हेन आई जंप्ड इनटू दिस पंजाबी प्रॉपर जटनी कैरेक्टर I enjoyed it a lot क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मतलब it's a very strong character तो ऐसा character play करने का मौका नहीं मिलेगा and I want to play the strong character तो छोटी सरदारनी के सरबजीत ने कुछ हेल्प करी थी पंजाबी लुक्स देने में ऑफ कोर्स तो he has been playing handsome sir for quite a while now yeah he yeah actually, he is the biggest help for me on set इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा help करी है पंजाबी बोलने में एंड वो एक बॉडी लैंग्वेज जो एक जटनी की होनी चाहिए उसमें भी काफी हेल्प किया इन्होंने पंजाबी के कुछ वर्ड्स आते हैं आपको अदर देन द बैड अदर देन द बैड नहीं कुछ नहीं बैड तो मैंने अभी तक सीखा नहीं है बट गुड्डी सिखाते हैं सिखाना मुझे बेसिकली अभी सीरियल में थोड़ा बहुत बोला है मतलब सत श्री अकाल सारेयानु फिर मैं बोलूंगी बाबा जी सबका भला करे फिर मैंने माफ करी हाय रब्बा तो मैं बोलती रहती हूँ तो ऐसे छोटी छोटी वर्ड्स मैंने बोले हैं आई कम फ्रॉम मुंबई या आई एम प्रॉपर मुंबई गर्ल आई एम हाफ महाराष्ट्र हाफ गुजराती एंड नाउ आई एम लर्निंग पंजाबी Anyway, the best part is that when she gave her audition, us time pe we didn't know that she's half Marathi, half Gujarati, because the way she gave the audition, it was like perfect, like and she was looking like wholesome Punjabi, that as if she's a Punjabi girl only. But when I asked her, I met her first time at the airport. I asked her like, "You gave a perfect audition, like ekdam proper Sardarni lagti ho." Kehti, "I am not Sardarni, I am a half Gujarati, half Marathi." I was so surprised to know that. But she's doing an amazing job, amazing, amazing. But I really loved hearing जब इन्होंने कहा that I'm looking proper सरदारनी मुझे एकदम proud वाली feeling ऐसे ही आ रही थी मतलब उन्होंने कहा मुझे ऐसी proud वाली feeling आई कि wow मैं सरदारनी लग रही हूँ. Offer हो जाए पंजाबी film के लिए. Of course I would love to do Punjabi films. अभी फिलहाल तो एक कुड़ी पंजाब थी अभी अभी लॉन्च हुआ है तो माई एंटायर फोकस इज ऑन दिस शो एंड मेकिंग दिस अ हिट और ये हिट हो जाने के बाद तो पंजाबी फिल्म्स आई एम श्योर मिल ही जाएगी मैसेज दे रहा था सोसाइटी को आपका सीरियल आएगा हम देखेंगे उसका थीम क्या है व्हाट इज द मैसेज द थीम इज वुमेन एंपावरमेंट एंड ऑब्वियसली यू नो द वुमेन शुड बी एंपावर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल because they play a very important and a major role in the society and you know there are so many aspects in the past like where women were being you know like they were put down so they should be courageous they should be strong and specifically in this show also we are showing that the woman itself and herself is very very strong means Ranja is there to support her but Ranja is not the front she is the front and Ranja is like a backbone that in case if she needs any physical you know support from Ranja in any aspect that he is always there but otherwise like he is mentally very strong she is a lawyer an aspiring lawyer so a woman should be courageous like no whatsoever situation arises which obviously does in a person's life so she should not be scared she should always be courageous and always ready to go and face the challenge पंजाबी जट है देसी जट सो वो प्ले करन दा मौका मिल रहा है और एक देसी बंदा थोड़ा डिफरेंट होता है अर्बन यू नो यूथ तो या अर्बन बंदियां तो तो एक बहुत ही डिफरेंट जी चीज़ सी मेरे वास्ते और बिकॉज मैं कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहता सी ऑडियंस नू कि भाई एक जड़ा अर्बन यू नो पर्सनैलिटी होती है तो रूरल पर्सनैलिटी तो देसी पर्सनैलिटी पंजाब की किमें दी होती है आई एम अ क्यूरियस केस ऑफ अभिनेश विक्की ओके थैंक यू थैंक यू एवरीवन नाउ वी विल डू